ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मनुष्य के अंदर लंबे काल से मैं और मेरापन गहराई तक समा गया है। उसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं और ये दोनों ही आत्मा को बंधन डालते हैं। उनमें अनेक विकारों की उत्पत्ति होती है, काम, क्रोध, मोह, अभिमान, ये सब इस मेरेपन की ही देन है। मेरी पत्नी काम को उत्तेजित करती है, मेरे बच्चे मोह को बढ़ाते हैं, मेरा अधिकार क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित करता है। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं भी कुछ हूँ, अभिमान बढ़ता है। हमें जानना चाहिए ये सभी मनोविकार मनुष्य के अंदर बंधन पैदा करते हैं, हमें स्वतंत्र नहीं होने देते। हमें तो स्वतंत्र होकर उड़ना है। देख लें कौन सा मेरापन मुझे बांध रहा है। मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार, मेरे मन के ये बोझ, मेरी चिंताएं, मेरा नाम, मेरी बदनामी, मेरी निंदा, मेरी महिमा, ये सब मेरेपन के विभिन्न विभिन्न स्वरूप हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं। दोनों ही आत्मा को बंधन डालते हैं। हम तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनने के लिए एक बात पर विशेष चिंतन करें जिसमें बहुत सुख मिलेगा और ऐसा भी महसूस नहीं होगा कि हम मेरेपन को छोड़कर कुछ कष्ट पा रहे हैं। मेरापन छोड़ना, मेरे बच्चे ये छोड़ना कितना भारी लगता है, पर नहीं, बच्चे तो वो मेरे ही रहेंगे, पर हम बाबा को समर्पित कर दें उन्हें। हम सभी एक बात का बहुत अच्छा अभ्यास करें, बाबा ही मेरा संसार है। संसार में दो चीजें हैं, व्यक्ति और वैभव। व्यक्तियों से मिलने वाला सुख, प्यार और प्राप्तियां सब हमें एक बाबा से मिलती हैं। व्यक्तियों से, वैभवों से जो कुछ हमें मिलता है उसे बहुत ज्यादा हमें बाबा से मिलता है। जो व्यक्ति और वैभवों से मिलता है उससे हजारों और करोड़ों गुना हमें बाबा से मिल जाता है। ये तो बहुत अल्पकालीन प्राप्ति है, हमें तो शायद अंदाज भी नहीं है सतयुग में हमारे पास क्या क्या होगा और हम स्वयं कैसे होंगे, इसकी कल्पना भी अभी हमारी बुद्धि नहीं कर पा रही है। अथाह धन संपदा, हीरो मोतियों जवाहरातों से भरा हुआ संसार, जहाँ उनकी कोई कीमत ही नहीं है। संपूर्ण सुख शांति का साम्राज्य, संपूर्ण संसार अपना, जितना चाहे जगह लेकर अपने महल बना लो, किसी से कोई बंधन नहीं, कोई विशेष पूछताछ नहीं, ऐसा सुंदर संसार बाबा हमें दे रहा है। तो हम लग्न बढ़ाएं, रस प्राप्त करें इस चीज से कि बाबा ही मेरा संसार है, सब कुछ मुझे उससे ही प्राप्त करना है। और ये मोह ममता तो बहुत कष्ट पहुंचाने वाली है, इसलिए जो कुछ हमारे पास है वो सब बाबा की देन है, और जो कुछ हमारा है जिसमें मेरापन रहता है उसे भी बाबा को अर्पित कर दें। ये सब तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, तुम इनके बाप हो, मैं लौकिक हूँ, तुम अलौकिक पारलौकिक हो, मेरे से ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इन्हें संभालो, बहुत अच्छी तरह संभालेंगे बाबा, ये मेरी जिम्मेदारियां, ये मेरी चिंताएं, इन्हें भी प्रभु अर्पित कर दो। तो आज सारा दिन हम समर्पण भाव से जीवन जिएंगे, सब कुछ तेरा,
सूक्ष्म लोक में अपने को महसूस करेंगे और बाबा से आज बात करेंगे, ये सब कुछ तेरा, और फिर बाबा से दृष्टि लेंगे, दृष्टि का सुख लेंगे और फील करेंगे ब्रह्मा बाबा के तन में ज्ञान सूर्य बैठा है, चमक रहे हैं उनकी तेजस्वी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।